क्या तुझको दिलाए तेरा पैमाना जाना अब तजदीद वफा का नहीं इम्कान जाना मायरा मुझे बहुत अपसेट लग रही है I mean, जब से राजीत की डेथ हुई है, she looks so upset. कभी-कभी अपसेट हो जाती है, टाइम लगता है सब कुछ बोलने में, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग है, जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। अबू कह रहे थे कि कैसे होगा ये सब कुछ, इतने कम दिन हैं, कैसे करो? कह रहे थे कि शायद तुम्हारी अम्मी होती, बहन होती तो ये सब कुछ करती। जाना कितना अच्छा लग रहा है ना हाँ बहुत मजा आ रहा है ऐसा नहीं लग रहा कि जब से हम साथ हैं जो जिंदगी हम गुजार चुके हैं वो एक डरावना ख्वाब था अब भूल जाओ पुरानी जिंदगी को सिर्फ आने वाली जिंदगी के बारे में सोचो मैं तो सारी रात ये सोच रही थी कि हम महानूर की बारात के लिए कब तैयारी करेंगे हमने तो अभी तक कपड़े भी सिलने नहीं दिए टेलर कब सिएगा हमारे कपड़े हम टेलर को तो कपड़े नहीं दे रहे क्या मतलब हम बुटीक से कपड़े लेंगे रेडीमेड बारात के लिए भी वलीमे के लिए भी और मेहंदी के लिए भी लेकिन मेहंदी तो नहीं है हम वो भी करेंगे आज रात को ही हम महानूर को माइयों बिठाएंगे ये तो मैंने सोचा ही नहीं अच्छा हम इनवाइट किसे से करेंगे यासिर उसका दोस्त शाहिद होगा जफर अंकल होंगे मानूर उसके सर्वेंट्स ये सब होंगे मायरा अभी तो हमारा कहीं से भी जॉब का कंफर्म नहीं हुआ और जिस तरह से तुम पैसे खर्च कर रही हो मुझे तो लगता है तुम सारे पैसे खर्च कर दोगे यार देखो तुम इस बात की बिल्कुल टेंशन लो मेरे नाम फिक्स डिपॉजिट है उससे इतने पैसे आ जाते हैं कि तुम और मैं ना सुकून से जिंदगी गुजार सकते अब तुम ये सारी परेशानियां छोड़ो तो बहुत भूख लग रही है नाश्ता करवा दो प्लीज उसके बाद हमें शॉपिंग पे भी जाना है आओ मैं तुम्हें नाश्ता दिल हो गया है तेरा दीवाना अब कोई जचता नहीं शुबाना एक बात बताऊं मैंने क्या महसूस किया कि यासर भाई नूर और मायरा मैडम को बिल्कुल अपनी बहनों की तरह समझते हैं पता है मुझे ना ऐसे ही लगता है यासिर भाई ना उन दोनों का बहुत ख्याल रखेंगे और आपको पता है हमारी मानूर बीबी से ना यासिर भाई बड़ी मोहब्बत करते हैं सही कह रही हो और मैंने उनकी आंखों में बहुत मोहब्बत देखी है मैडम के लिए अरे हमारी मानूर बीबी ना बड़ी किस्मत वाली है किसी लड़की का शौहर उससे इतना प्यार करे और उसे क्या चाहिए चा। तो मेरी इन गोल मटोल आंखों में क्या देखती हो तुम तुम्हारी आंखों में कुछ नहीं क्या मतलब कुछ नहीं मेरी आंखों में तुम्हें प्यार मोहब्बत नहीं नजर आता इन आंखों में डूब शब्बो मुझे बहुत सारे काम है बात तो सुनो जब भी कोई रोमांटिक सीन आता है ना ये कट लेती है चलो पानी लगाते दिल हो गया है तेरा दीवाना अब कोई जचता नहीं नादान है समझता नहीं इसे शादी पे तेरे घर वालों को होना चाहिए था हाँ यार लेकिन क्या करें वहां भी शादी है हाँ जी मेरी ही शादी के दिनों में वहां शादी आनी थी मैंने भी अम्मी से यही कहा अम्मी तो मुझे कह रही थी कि मैं भी वहां आ जाऊं मैंने अम्मी से साफ इनकार कर दिया कि मैं यासिर की शादी छोड़कर नहीं आ सकता वहां तो नूर और मायरा रौनक लगा देंगी इस घर का क्या यहाँ तो कुछ भी नहीं होगा अरे यार मेरी मरहूम खाला की बेटी की शादी थी बस ये मजबूरी है और तुम यहाँ रौनक लगाने की टेंशन ना लो हम एक दिन मायरा और नूर को भी यहाँ बुलवा लेंगे फिर लग जाएगी महफिल मानूर वो कैसे आएगी यहाँ तुम उसकी टेंशन ना लो
मैं उससे बात कर लूंगा, बस अंकल को कोई एतराज ना हो। अरे नहीं नहीं, अब्बू को कोई मसला नहीं होगा, बल्कि वो तो बहुत खुश होंगे। तो सबर कर, मैं अभी मानूर को सारा प्लान बता दूं। तुम्हें भी ना हर वक्त भाभी से बात करने का बहाना चाहिए। मैं नूर और मायरा से बात करता हूँ और उस दिन का खाना भी मेरी तरफ से होगा। अरे मायरा की कितनी उम्र, फोन आ गया मायरा। हेलो, कैसी हो मायरा? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, तुम बताओ क्या हो रहा था? कुछ नहीं, हम लोग प्लान बना रहे थे कुछ हल्ला गुल्ला करने का। मैंने इसलिए कॉल की थी क्योंकि मुझे अंकल से बात करनी है। अबू तो अभी घर में नहीं है। अरे अच्छा चलो, हम आज मानूर को मायू बिठा रहे हैं, तो उसके इनविटेशन के लिए कॉल किया था। तो मैं आऊंगा ना? नहीं नहीं नहीं, सब में तुम इनवाइटेड नहीं हो। ये क्या बात है, मैं क्यों नहीं आऊंगा? बस तुम दूल्हा हो ना, इसलिए। बाकी सब घर वालों को बता देना। ओके भाई, वाह। बस घर में इनविटेशन दे देना कि शाम 6 बजे तक आ जाए, ठीक है? ओके बाय। ये कमाल का असूल, दूल्हा ही नहीं जाएगा। अबे भाई तू दूल्हा है, और कोई भी दूल्हा अपने दुल्हन से शादी से पहले नहीं मिल सकता। वाह भाई, तुझे भी बहुत पता है असूलों का। देख यार, मैं तुझे वहां ले जा तो नहीं सकता, लेकिन एक काम हो सकता है, मैं वहां जाकर सारी तस्वीरें खींच कर तुझे भेजता रहूंगा, कैसा? ये तो अच्छा है, याद से भेज दे। तेरी भी शादी हो जाएगी, खूब हल्ला गुल्ला करेंगे हम तेरी शादी में। ये सब चीजें आप लोगों के लिए हैं बेटा, मैं तो इतना ही कर सकता था बेटा। इतना कुछ कर दिया आपने इकबाल बाबा। मैं तो बहुत कुछ करना चाहता था, पर मेरी मजबूरी। हाँ लेकिन एक बात जरूर है कि तुम लोगों के लिए ढेर सारी दुआएं हैं मेरी तरफ से, अल्लाह तुम्हें हमेशा आबाद और खुश रखे। आमीन। भैया आप रो क्यों रही हैं, इतनी खुशी का मौका है। आज मुझे अम्मी याद आ गई। बेटा खुशी के मौके पर रोना अच्छी बात नहीं। अस्सलाम वालेकुम। अरे इतनी उदास क्यों है ये? हाँ है, यहाँ कोई उदासी उदासी नहीं है, यहाँ तो बस अब खुशियां ही खुशियां होंगी इंशाल्लाह। आज माइयों की रस्म है, शाहिद और अंकल को भी कह दिया है, आप लोग सभी तैयार हो जाएगा। मैं नाश्ता भी बना लेती हूँ। अरे नहीं नहीं, नाश्ता मत बनाओ तुम, मैंने खाना ऑर्डर कर दिया। और इकबाल बाबा आप एक काम करें कि अभी कुछ पैसे ले लें और घर की सजावट का सामान ले आएगा। ठीक है। और शबाना ये उपटन और ये उपटन का सामान है, ये भी गो देना। ठीक है ठीक है, बाय। ये भी लेती। हाँ भाई, इतनी उदासी की क्या जरूरत है, अब तो खुशियां ही खुशियां आने वाली है ना, इसलिए अपना मूड ठीक करो। ठीक है, हम सब है ना तुम्हारे साथ। चलो चीजें देखें। मेरी दुआ है कि अल्लाह उन बच्चियों की नसीब अच्छे करे, उन्हें खुशियां दिखलाए। मेरा दिल तो बहुत चाह रहा था ये सब कुछ करने के लिए, लेकिन मैं कुछ बोल नहीं सका, इसलिए कि उसका दिल दुखेगा। आखिर उनका ये करने वाला कोई है तो नहीं ना? देखिए ना, नूर और मायरा की वजह से आपके दिल की हसरत पूरी होगी। हाँ बेटा, तुम ठीक कहते हो। और मानूर भी खुश है। शुबाना, शुबाना कहाँ हो? हाँ क्या हुआ? अब्बा गए? अंदर हैं। क्यों? मैं शादी की सजावट का सारा सामान ले आया हूँ। वाह सरवर, याद है तुमको हमारी शादी पे भी ना बिल्कुल ऐसे ही घर सजा था, कितना मजा आया था ना। कितना मजा आया था,
घुमा फिरा के ना खुद को बीच में ले आती हो। अरे मजाक कर रहा था भाई, मजाक था। तुम तो बस ऐसे ही बोलते हो। अबे याद है तुम्हें, तुम्हें शादी के बाद फौरन में कहाँ ले गया था, याद है? बताऊं अंकल। वालेकुम सलाम बेटा जी। अंकल मैं आपको ये बताने आया था कि मानूर की दोस्तों का फोन आया था और वो लोग चाहते हैं कि हम लोग आज मेहंदी की दावत में शिरकत करें। मेरे ख्याल से हमें चलना चाहिए। ठीक है बेटा, चले चलेंगे। ठीक है अंकल, फिर आप तैयारी कर लें और मैं भी जाके तैयार हो जाता हूँ और हम लोग रास्ते से कुछ तोहफे दवाई भी ले जाएंगे। अरे बेटा मुझे तैयार होने में कितनी देर लगती है, सिर्फ कपड़े ही तो चेंज करने हैं। वैसे हमारे बरखुरदार का क्या हाल है? अंकल उसका तो मत पूछें, बहुत ही गुस्से में है वो, उसे दावत जो नहीं मिली। मैंने उसे समझाया भाई दूल्हे मेहंदी में नहीं जाते। अरे बेटा उस पागल को बताओ कि मेहंदी वगैरह में दूल्हा कहाँ जाता है। अंकल उसे अब कौन समझाए, उसे तो ये लग रहा है कि ये सब मेरी वजह से हो रहा है। मेरे ख्याल से अंकल हमें देर हो रही है, आप तैयार हो जाए, मैं भी जाके तैयार हो जाता हूँ, फिर हम निकलने की तैयारी करते हैं। वैसे शाहिद बेटा मुझे बड़ी खुशी होती है इस बात की कि मेरे बेटे यासिर को तुम जैसा दोस्त मिला और उस जैसे लव वाली नौजवान को बदल के रख। कल सी बात नहीं है, यासिर तो खुद बहुत अच्छा इंसान है। हाँ तुम ठीक कहते हो, वो भी दिल का और नेचर का बहुत अच्छा है, लेकिन अच्छे दोस्तों का असर तो होता है ना। बेशक अंकल, बल्कि मैं तो खुद यासिर को देखकर सही राह पे आया हूँ। सही रास्ता? अंकल हम बाद में बात करेंगे ना, आप जल्दी से तैयार हो जाए, हम लोग निकलते हैं। बस मैं भी जा रहा हूँ तैयार होने। चलो ठीक है। आप जो कुछ भी मेरे साथ कर गए थे मुझे लगा था जिंदगी खत्म हो गई है, लेकिन नहीं, मेरी जिंदगी तो अब शुरू हुई है। अब दिल में आपके जाने का कोई दुख नहीं, कोई अफसोस नहीं है। जैसे चाहें अपनी जिंदगी गुजारें, मुझे आपकी कोई जरूरत नहीं है। रस्म व रिवाज जिसकी शादी है उसी को इग्नोर कर।
मेरे यासिर की कॉल? किसकी? इधर तो मुझे बिल्कुल नहीं उठानी यासिर की कॉल, कोई चक्कर नहीं है। चलो भी फोन भी काट दी यार। नहीं, शादी होने वाली है, तुम लोगों की कोई कॉल नहीं, तुम लोगों ने बिल्कुल बात नहीं कर ली। क्या फजूल, सीओ तुम रसम करवाओ। बोलो फोन भी गायब। शायद मैं ज्यादा तस्वीरें भेजूंगा। ओ भाई शाहिद, पिक्चर्स। और ये नेटवर्क वालों को बहुत प्यार है मुझसे। अरे भाई यासिर, तुम यहाँ? हाँ। किससे मिलना है आपको? आप सबसे। वहीं रुको, कोई जरूरत नहीं आगे आने की। ओ भाई तुम्हारी तो एंट्री बंद है आज यहाँ। अरे ये क्या बात हुई, तुम सब यहाँ बैठो और हल्ला गुल्ला करो और मैं वहाँ घर बैठा रहूँ और बोर होता रहूँ, ऐसे नहीं चलेगा। मजबूरी है दूल्हा भाई। ये दो तीन दिन तो ऐसे ही गुजारा करना पड़ेगा ना। नहीं, ये जुल्म मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। अबू आप बताए ना इनको। किसे आवाज दे रहा है ये? अरे भाई कौन है ये? मैं आपका बेटा हूँ, पहचाने मुझे अबू। भाई आज तो मैं किसी को भी नहीं पहचानता, आप जाइए यहाँ। अबू कसम से मुझे बहुत भूख लगी, थोड़ा सा खा लो फिर चला जाऊ। शबाना फौरन उठो और मानूर को लेकर कमरे में जाओ। चलो ठीक है जी, चलो चलो जाओ जाओ। एक मिनट, एक सेकंड भी नहीं। कमाल, चलो जल्दी जी। भाई आप बताएं कि हम आपकी क्या खातिर करें, क्या चाहिए आपको? आए ना बैठे करके। हाँ बताएं आप क्या खाएंगे और क्या पिएंगे। तू रहने दे, तूने तो कहा था पिक्चर्स भेजूंगा वहां जाते, एक पिक्चर भी नहीं भेजी। कमाल दोस्त है। पर्दा था ना यार, पर्दा था। शबाना दूल्हा भाई के लिए खाना लगाना। मुझे नहीं खाना खाना, जा रहा हूँ। बरखुरदार अब आ ही गए हैं तो तशरीफ रखिए, बैठ जाइए। वाह कमाल किया आज आप। आओ बैठो। बहुत मजा आया। मुझे भी बहुत मजा आया, बहुत एंजॉय किया मैंने। शादी पर भी इससे ज्यादा एंजॉय करें। हाँ। अरे अरे दे दो मुझे। हेलो मानूर। मानूर नहीं, मैं मायरा बात कर रही हूँ। अरे बाबा माना मैं उसको देख नहीं सकता लेकिन एटलीस्ट बात तो कर सकता हूँ। बिल्कुल भी नहीं, बाय। मेरी शादी और मैं ही नहीं देखी। इसको देखो जरा, आ भी गया फिर भी पकड़ो और खबरदार जो तुमने उसका फोन उठाया। ओके याद क्या तुझे को दिलाए, याद क्या तुझे को दिलाए, तेरा पैमाना जान जाना। अब भी तजदीद वफा का नहीं इम्कान, जाना जाना। याद क्या तुझे को दिलाए। हेलो, सो गए थे तुम? तुमसे बात किए बगैर कैसे सो सकता था? वो गई तुम्हारी बहन? तो यही सो गए, सुबह चली गई। भैया आज तो दोनों चुड़ैल ही बन गई थी। देख लो चुड़ैल नहीं तुम्हारी बहन है, मेरी तो सही है।
शहर के हालात खराब हो गए, तुम कहाँ हो? मायरा और नूर? वो दोनों तो शायद चली गई। मेरी हरकतें, मेरे करतूत, और खुद के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? तू तो बहुत सीधा है ना, धूत का दुला हुआ है ना तू। अपने गिरेबान में झांक कर देखा कभी तूने? उनका घर कितनी दूर है यहाँ से? दूर है, आधे घंटे की ड्राइव है। अल्लाह खैर करे। मुझे बहुत डर लग रहा है इकबाल बाबा, हालात खराब है, कितनी गोलियां चल रही है। किस कदर जा